हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। कंस्ट्रक्शंस में एक टॉपिक हो चुका है, लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियोज में डिवाइड करना हम लोग सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके सिमिलर दूसरा ट्राइंगल बनाना और उसके करस्पॉन्डिंग साइड के गिवन फिक्स रेशियोज के अंदर। जैसा कि एक मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिख रखा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल एबीसी विद इट्स साइड्स इक्वल टू 3.4 of the corresponding sides of the triangle ABC। It means scale factor कितना होना चाहिए? 3.4। Question जो मिलता है 3.4 लिखा हो सकता है या फिर आपको 3:4 का ratios भी ऐसा भी दे सकता है। अच्छा, similar word क्या होता है? Similar word होता है, सबसे simple सा एक example है कि जैसे बात करें, ये मेरा एक ये वाला हाथ है और ये वाला हाथ, ये हाथ एक दूसरे को बिल्कुल एज इट इज ढक रहे हैं, मतलब इसकी परछाई इसके ऊपर पड़ रही है एकदम एज इट इज, ऐसे कहीं भी छोटा बड़ा कुछ भी नहीं। तो इसको बोलते हैं हम सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक मेरा हाथ ले लो, एक किसी छोटे बच्चे का हाथ ले लो और उसको एक दूसरे के ऊपर रखें, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, मतलब उसका रूप ठीक है, उसका शेप तो ऐसा ही है पर साइज जो है उसकी छोटी बड़ी है, उसको बोलते हैं सिमिलर। मतलब कोई भी दो शेप्स, कोई भी दो ऐसे फिगर्स हो सकते हैं जिनकी साइज तो अलग अलग हो पर दिखते हैं जैसे, उसको बोलते हैं सिमिलर। ट्राइंगल के केस में छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल, अब सिमिलरिटी का ज्यादा हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैं आपको इतना बता दूं सिमिलर के लिए ये वाला साइन यूज किया जाता है, ठीक है। आगे सिमिलरिटी वाला टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आपको दूसरे वीडियोस पे जाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें डिटेल में है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो आपको दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा ट्राइंगल मुझे बनाना है सिमिलर, 3:4 रेशियो होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको गिवन जो भी अगर कोई फिगर दे रखा है आपको, मतलब उसकी साइड्स का कुछ भी वैल्यूज दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग पहला ट्राइंगल आप बनाइए। यहाँ पर तो कुछ दे नहीं रखा है, तो सिंपल सा हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ट्राइंगल हो गया, इसको नोमिनेट कर दीजिए ए बी एंड सी, क्लियर है, हो गया। अगर इसकी कुछ भी साइड्स वैल्यूज वगैरह एंगल वगैरह दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, कुछ नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, बी इस वर्टेक्स बी से एक एक्यूट एंगल जिसको न्यून कोण बोलते हैं वो ड्रॉ करेंगे। एंगल सी डी ए जो कि एक्यूट एंगल होगा, लेस देन 90 होगा, उसको नाम देते हैं सी डी एक्स, डी एक्स ड्रॉ किया। फिर हमारा 3:4 बोला या फिर 3:4, दोनों में से कुछ भी बोल सकता है, इनमें से जो ग्रेटर है मतलब 3 और 4 में से उतने इसके पार्ट करेंगे और वो पार्ट क्या होंगे, इक्वल पार्ट होना चाहिए। तो कंपास आपका जो है, समझ लीजिए दिस इज कंपास, कंपास यहां रखिए और इक्वल पार्ट्स किए 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे इक्वल्स इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, कंपास के थ्रू करेंगे एकदम एग्जैक्ट आएगा, क्लियर। यहां तक हो गया। इनकी जो लेंथ होती है आपकी B1, B2, B3 और B4, ये आपस में इक्वल हो गया, मतलब B1 इज इक्वल टू B1, B2 इज इक्वल टू B2, B3 इक्वल टू B3 एंड B4, सारी लेंथ आपस में इक्वल होंगे। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो ये है कि 3:4 बोला तो जो भी डिनोमिनेटर या फिर जो नेक्स्ट बाद वाला दे रखा है हो उसको हम इससे मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो B4 है तो ये B4 को C से ज्वाइन कर दीजिए आप, ओके, ज्वाइन हो गया। अब B3 3:4 का रेशियो है तो B3 को भी इसके सिमिलर और पैरेलल, इसके पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल कैसे बनेगा, ऐसे तो हम बना नहीं सकते, एंगल सेम होना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि कंपास की नोक यहां रखिए आप और यहां से हल्का सा हाफ से ज्यादा ओपन कीजिए और एक आर्क बना दीजिए। आर्क बना दिया हमने, एक चाप काट दिया, ठीक है, और फिर सेम सेम लेंथ का इस B3 पे एक आर्क बनाया, ठीक है, और इन दोनों आर्क को लेंथ को मेजर कर लिया हमने, नाप लिया यहां से यहां तक मेजर किया और फिर इस पॉइंट पर जहां पर इस लाइन को कट किया है सेम आर्क का एक और आर्क काट देते हैं सेम लेंथ का, ठीक है, काट दिया। अब इसको क्या करते हैं, आगे इसको जैसे जैसे प्रोड्यूस करते जाएंगे, ठीक है, ये इस बीसी को कहीं ना कहीं कट करेगा और ये एग्जैक्ट इसके सिमिलर होगा, क्लियर। ये हमारा सी पॉइंट आ गया, जो वर्क आपने यहां किया है वही सेम यहां पर भी करना है। कैसे, हाफ से ज्यादा हमने ये ओपन किया, समझ लिया, मेरा एक कंपास ये ओपन किया, ये आर्क मैंने कट किया सेम इस पॉइंट पर भी सेम लेंथ का, ओके, इनको मेजर किया और फिर यहाँ पे ये, अब इसको आगे से सेम ऐसे ही जैसे इसमें किया था,
एडजेंट सिमिलर बनेगा ये, तो आपका ये रेडियस हो जाएगा। तो सेकंड ट्राइंगल आपका बन गया। देखिए इसको आप स्केल के थ्रू कीजिएगा क्योंकि एग्जाम आप लोगों को देना है, ठीक है। ए रेश क्लियर है, तो ये हमारा ए बी सी के सिमिलर दूसरा ट्राइंगल ए रेश बी एंड सी रेश ट्राइंगल बन गया। क्लियर है। अभी तो इसमें जैसे 3/4 रेशो दे रखा है, हो सकता है आपको ऐसा दे रखा हो 5/3 का रेशो दे रखा है, ठीक है। तो उसमें उसमें किस तरह का ट्राइंगल बनेगा, कि इनसाइड बनेगा कि आउटसाइड बनेगा, उस केस में आउटसाइड बनेगा, वो भी आपको मैं बना के बताता हूँ। क्वेश्चन सेम यही है, यहाँ पे आपको बोल दिया है 5/3 का रेशो है, ठीक है। 3/4 के प्लेस 5/3 या फिर अपन बोलते हैं 5:3। ये क्लियर डायग्राम बिल्कुल सेम यही रहेगा, मैं वापिस इसको कंस्ट्रक्ट करके बताता हूँ आपको। सेम एबीसी ट्राइंगल बना दिया हम लोगों ने, फर्स्ट अगर मेजरमेंट दे रखा है उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बन गया, फिर मैंने बोला 5/3 में से जो भी ग्रेटर होगा, पहले तो इस पे एक्यूट एंगल बनाया हमने, नॉमिनेट कर दिया हमने ए बी एंड सी, बी एक्स या आपका बी एक्स हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि 5/3 में से जो भी ग्रेटर हो उतने पार्ट करना पड़ेगा इसके बी एक्स के, तो 5 ग्रेटर है तो 5 बार करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5 इक्वल नॉमिनेट कर दीजिए B1, B2, B3, B4, B5। ओके अब मैंने बोला था डिनोमिनेटर में जो भी होगा नीचे हाफ जिसको बोलते हैं 3 है, तो हमें 3 को इससे C से जॉइन करना है, तो 3 को C से जॉइन कर दिया। ओके अब आपको क्या बोला 5:3 का रेशियो होना चाहिए, तो 5 गिरा। सेम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे, जिससे जो सेम पहले वाले में काम किया था सेम वही काम इधर भी करना है। हाफ से ज्यादा ओपन किया एक आर्क इधर बनाया, सेम उसी लेंथ का आर्क फाइव पे, फाइव बोला तो फाइव पे होना है, दोनों के लेंथ को मेजर कर लिया। अब ये सब काम आपको कंपास के थ्रू करना है, ये नहीं कि आप मेरी तरह आप करें तो ऐसा नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम्स में। इसको आगे स्केल के हेल्प से आगे इसको ड्रॉ कीजिए, तो ये यहां कट करेगा, ये सी डैश आ गया, जैसे उसमें इनसाइड था इसमें आउटसाइड गया है, बस ये डिफरेंस है, बाकी सेम वही कहानी जो यहां पे आपने किया था। आप ये इस पॉइंट पर भी एक आप इन दोनों लेंथ को मेजर किया और ये हमने कट कर दिया, इसको आगे ड्रॉ कीजिए। इसके जो सिमिलर ही बनना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पैरेलल एकदम एग्जैक्ट पैरेलल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो ये पॉइंट आया इसको आगे टच किया ए डैश बन गया, इट मींस ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर दूसरा ट्राइंगल ए डैश और सी डैश ट्राइंगल। इस तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट जो कुछ भी हमने किया है स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं एग्जाम में। कंस्ट्रक्शन के जो पॉइंट्स हो मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए 4 to 6 के बीच में पॉइंट्स के बीच में आप इसको खत्म कर दीजिएगा, ज्यादा नहीं, ये एक फॉर्मेलिटी है, कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ता है। डायग्राम सही है तो कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली आपका अपने आप सही हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए इससे और कहीं भी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स करके पूछिए, कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।